गाइस एक टाइम था जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो गया ना, उसके बाद सलार मूवी के नाम पे इतने सारे रूमर्स चल रहे थे, इतने सारे रूमर्स चल रहे थे। मैं आपको क्या बताऊँ, ये विलन होगा, वो विलन हो गया, केजीएफ चैप्टर 3 के साथ ऐसे कनेक्शन होगा, रॉकी भाई की एंट्री ऐसे होगा, केजीएफ यूनिवर्स ऐसा होगा। ओके, प्रशांत नील बहुत कुछ सोच करके रखे ऐसे बोल करके ना भाई, सालों साल बस सलार मूवी का रूमर्स ही चलता रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि सलार मूवी की क्रेज क्या था, वहीं से पता चलता है। अगर किसी फिल्म को लेकर के ना मार्केट में चली हुई है बहुत सारा रूमर्स, बहुत सारे न्यूज, तरह तरह के, दिन नहीं गुजरते भाई, हर दिन आपको चार पांच अपडेट देखने को मिल जाएंगे, चार पांच बच देखने को मिल जाएंगे, रूमर्स देखने को मिल जाएंगे, उसमें पता चलता है कि फिल्म का एक्चुअली में क्रेज क्या है, हाइप क्या है, लोग कितना डिस्कशन करना चाहते हैं। जितने सारे लोग भी रूमर्स चलाते हैं, जितने सारे लोग भी ये सारी अपडेट, चाहे वो फेक हो, गुड हो, कहीं से अपडेट आया है नहीं आया है, डजन मैटर, लेकिन जितने सारे लोग भी ये रूमर्स वगैरह चलाते हैं, ये अपडेट वगैरह चलाते हैं ना भाई, उन लोगों को अच्छी तरह से पता होती है कि फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा है। हम इसके ऊपर अगर कोई रूमर्स चलाएंगे, कोई आर्टिकल सोचेगा कि मैं इसके ऊपर न्यूज छापूंगा, कोई ट्विटर अकाउंट वाला सोचेगा, कोई जो फिल्म का अपडेट वगैरह दे रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, तो वो सोचेगा कि अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मेरा व्यूज ज्यादा आएगा, अटेंशन ज्यादा मिलेगी। उससे पता चलता है कि फिल्म का हाइप क्या है। और अभी इस तरह का माहौल कौन बना करके रखा है पता है? ना पुष्पा 2, ना कल्कि 2, ना सलार 2, कितने सारे बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों का आ रहा है, कोई भी फिल्म इस तरह का रूमर्स को नहीं चला रहा है। अभी इस तरह की बातें नहीं उठ रही, अभी सिर्फ और सिर्फ उठ रहा है स्पिरिट का। आपको आए दिन स्पिरिट मूवी के नाम पे इतने सारे अपडेट देखने को मिलेंगे, इतने सारे अपडेट देखने को मिलेंगे, आपको मैं क्या बताऊं। आज सुबह सुबह मैंने एक और अपडेट देखा। ओके, आप भरोसा करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अपडेट इतना सारा आ रहा है, इतनी सारी चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है ना मेरे भाई, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे वो वाला स्मेल आ रहा है कि यहाँ पे सलार केजीएफ का जो यूनिवर्स बताया जा रहा था ना, नील यूनिवर्स के बारे में जब बात हो रहा था ना, बिल्कुल वैसा वाला ही चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि स्पिरिट मूवी के ऊपर सभी का नजर है। तो चलो इसके नाम पे न्यूज चलाते हैं, और न्यूज ये है कि मम्मटी भी इस फिल्म में नजर आएंगे। मम्मटी भी इस फिल्म में नजर आएंगे, जो कि हीरो के पिता वाले किरदार में नजर आएंगे, मतलब डार्लिंग प्रभास के फादर के किरदार में मम्मटी नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। सोचो, ये न्यूज अभी चल रही है, ये सच है झूठ है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये अभी बच बहुत ज्यादा है, आगे चल करके सच होगा झूठ होगा वी डोंट नो। ओके, तो स्पिरिट मूवी को लेकर के कुछ बातें हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा चल रही है, और वो ये है कि मम्मटी डार्लिंग प्रभास के पिता वाले किरदार में नजर आएंगे, मतलब मम्मटी भी स्पिरिट मूवी के कास्ट में शामिल हो रहे हैं। दूसरा नंबर, ये दूसरा रूमर्स ये है, दूसरा अपडेट ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 100% सच जैसा लग रहा है कि करीना कपूर इस फिल्म में नजर आ रही है, जो कि विलन होगी। ओके, लेडी विलन, कि स्पिरिट मूवी में एक लेडी विलन को दिखाया जाएगा, एक विलन। ओके, और करीना कपूर इस फिल्म में नजर आ रही है। एक्चुअली करीना कपूर की कई सारे स्टेटमेंट को सुनते हुए ना ऐसा लगता है, ये थोड़ा बिस्कुट खा लिया हूं ना। ओके, सॉरी, करीना कपूर की कई सारे स्टेटमेंट को सुनकर भी लगता है कि यस ये हो सकता है, और जितने सारे बड़े बड़े आर्टिकल से भी ये अपडेट आ रही है, तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि करीना कपूर इस फिल्म में नजर आएगी बोल करके। करीना कपूर कई दफा अपने इंटरव्यू में बता चुकी है कि मैं एक बहुत बड़ी पैन इंडिया सुपरस्टार, पैन इंडिया फिल्म में काम करने जा रही हूँ, जो लोगों को पसंद आएगा, अभी के ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेंगे, जो मेरे मेरे फैंस भी बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मैं इस तरह की फिल्म में जुड़ रही हूँ। और ये चीज को ना सब लोग सोच रहे थे कि टॉक्सिक मूवी होगा, टॉक्सिक मूवी होगा, लेकिन टॉक्सिक मूवी से वो नहीं काम कर रहे थे, वो एक्चुअली में बात कर रहे थे स्पिरिट मूवी के बारे में, मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पिरिट और करीना कपूर का नाम अभी जिस तरह से वायरल हो रही है, जिस तरह से अभी जुड़ा हुआ है, और ऑलमोस्ट कंफर्म जैसा लग रहा है, जितने सारे भी भरोसेमंद हम जिसको मानते हैं कि यस ये बंदा जो है अथराइज है, फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और अपडेट दे रहा है जैसा लगता है, वैसे वो इसी जगह से भी आ रहा है ये अपडेट, तो हमें करीना कपूर के नाम को हम एकदम से ऑलमोस्ट 100% बोल करके मान सकते हैं कि फिल्म में वो विलन बन करके आ रही है, लेडी विलन बन करके आ रही है। ओके,
बाकी मम्मटी का नाम हो गया, मारंग सियोग का नाम हो गया, सैफ अली खान का नाम हो गया, ये एकदम से रूमर्स के टाइप का चल रहा है। और आज के डेट में मम्मटी का बारी है मेरे भाई। सैफ अली खान और मारंग सियोग का टाइम अभी थोड़ा सा जा चुका है, उसको अभी लोग उतना बात नहीं कर रहे, अभी मम्मटी का ही बात हो रहा है कि मम्मटी इस फिल्म में नजर आएंगे डार्लिंग प्रभास के पिता वाले किरदार में। और फिल्म का स्क्रिप्ट जो है ना अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 100% कन्फर्म है। ओके, मैं आपको बता दूं, ये 100% कन्फर्म है कि संदीप रेड्डी वांगा फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर के काफ़ी कुछ सोचे हैं, जो कि क्लाइमेक्स कुछ ऐसा होगा जो कि सबका दिल दहला देगा। और नो डाउट मैं यहाँ पे डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि ये फिल्म डेफिनेटली मल्टी पार्ट्स की फिल्म होगा, नहीं तो क्लाइमेक्स में संदीप रेड्डी वांगा नहीं अटके होते। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब राधे श्याम मूवी रिलीज हुआ था ना, राधे श्याम मूवी का प्री रिलीज इवेंट जब हुआ था, उस टाइम पे संदीप रेड्डी वांगा चीफ गेस्ट बनकर के आए थे, और उसी टाइम पे वो बोल दिए थे कि स्पिरिट मूवी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उसी टाइम से वो स्क्रिप्ट काम कर रहे थे, स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, उसी टाइम पे कहानी वगैरह लिख रहे थे। और अभी राधे श्याम मूवी का रिलीज हुआ था 2021, है ना, 2021-22 को, ठीक है, और अभी हो चुका है 2024, तो 2.5-3 साल हो चुका है, ठीक है, राधे श्याम मूवी आता हुआ, वो प्री रिलीज इवेंट की अगर हम बात करें तो। ओके, 2.5-3 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इतने दिनों से वो स्क्रिप्टिंग वर्क में लगे हुए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिल्म को वो शूटिंग भी स्टार्ट करने में, मतलब स्पिरिट मूवी का शूटिंग भी स्टार्ट करने वाले थे इसी अक्टूबर नवंबर से, लेकिन वो फिल्म का शूटिंग जो है ना जा रहा है 2025 समर तक, मतलब स्क्रिप्टिंग वर्क तो उनका पूरा एकदम से है, क्लाइमेक्स में वो अटके हुए हैं। और क्लाइमेक्स में अटके हुए इसका मतलब ये है कि मल्टी पार्ट्स की फिल्म है, सेकंड पार्ट का इशारा डेफिनेटली है। ओके, खैर देखते हैं। वैसे मम्मटी इस फिल्म में हो सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है, ये बज में कुछ सच्चाई है या फिर ऐसे ही न्यूज बेचा जा रहा है, छपा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? ओके खैर, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कह सकता हूँ मेरे दोस्त, कि यहाँ पे ना जैसे डार्लिंग प्रभास की बाहुबली मूवी का बहुत ज्यादा क्रेज था, उसके बाद मैं अगर देखूं तो सलार मूवी का बहुत ज्यादा क्रेज था उस लेवल का। ओके, साहो तो चलो था, पर उस टाइम पे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, तो कितना था हम जेनुइन तरीके से नहीं बता सकते। ओके, अगर हम अपने हिसाब से अगर बोले तो सलार मूवी का बहुत ज्यादा था बाहुबली के बाद, एकदम मतलब सालों साल भाई, 1-1.5 साल तो भाई सलार 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 सलार, हर एक यूट्यूबर, हर एक मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बस सलार 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 की बात कर रहे थे, अभी भी करते हैं। ओके, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात करें तो सलार 2 से भी ज्यादा स्पिरिट मूवी का हाइप है, कल्कि पार्ट 2 से भी ज्यादा स्पिरिट मूवी का हाइप है। जरा सोचो यार कि एक फिल्म आप देख लिए, उस कहानी को आधा आप जान चुके हो, इतना सारा ट्विस्ट मेकर्स छोड़े हैं, लेकिन उसके बारे में उतना चर्चा नहीं हो रहा है जितना चर्चा स्पिरिट के बारे में हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये जो कोलाबोरेशन होने जा रही है ना डार्लिंग प्रभास का संदीप रेड्डी वांगा का, ये बहुत ही खतरनाक कोलाबोरेशन है जिसको लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। क्योंकि डार्लिंग प्रभास को अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा तो वो बंदा क्या कर सकता है, सभी को पता है। और संदीप रेड्डी वांगा अपने हीरो को किस लेवल पे प्रेजेंट करते हैं और अपनी फिल्म को किस हिसाब से दिखाते हैं, वो तो बहुत मजा आने वाला है। इस बात को सब लोग ना एकदम से गहराई से समझ चुके हैं, इसी वजह से इस कोलाबरेशन का इतना ज्यादा हाइप है। और आए दिन हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई बज देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल का टाइम वही है कि मम्मटी ही डार्लिंग प्रभास के पिताजी के किरदार में नजर आएंगे, मतलब मम्मटी भी स्पिरिट मूवी के स्टार कास्ट में नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे ऑडियो ग्लिम्स आना कंफर्म है, 23 अक्टूबर को स्पिरिट मूवी का ऑडियो ग्लिम्स हमें सुनने को मिलेगा। उसका जो सिग्नेचर बीजीएम है 1-1.5 मिनट तक का, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट का मेरे ख्याल से वो हमें सुनने को मिल जाएगा। देखते हैं, मतलब एनिमल में तो व्हिसिल बजा करके एकदम से तबाही मचा दिए थे, इस बार क्या कर रहे हैं, किस तरह का बीजीएम लेकर के आ रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि सलार के लेवल का बीजीएम हो ताकि मजा आए, डार्लिंग प्रभास का एकदम से डेडली लुक के साथ वो बीजीएम परफेक्ट हो जाएगा, पूरा खतरनाक हो जाएगा पूरा। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।